नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कावासाकी निंजा 1000 SX। ये देखा जाए तो स्पोर्ट्स ट्यूरिंग सेगमेंट में, मतलब इसका देखा जाए तो नाम आता है। इसके प्राइस से शुरुआत करते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है वो करीब 11,51,000 रुपीज़ होने वाली है। अगर इसकी ऑन रोड रायपुर छत्तीसगढ़ की प्राइस की बात करें तो ये करीब आपको 13,70,000 रुपीज़ की ऑन रोड रायपुर की प्राइस में देखने को मिलेगी। आपके स्टेट और मेरे स्टेट में प्राइस का डिफरेंस रहेगा। ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑनलाइन प्राइस है, क्योंकि देखा जाए तो इन मतलब जो मोटरसाइकिल है इनका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, तो इस वजह से एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता पाऊँगा। बाकी कलर ऑप्शन की यहाँ पर बात की जाए तो इसमें 2 कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो आपको कौन सा कलर पसंद है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह भी देखा जाए तो फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल है, देख सकते हो फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल है। बाकी आज की वीडियो में करेंगे पूरा डिटेल वॉक अराउंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो यहाँ पर जो मिरर्स हैं ये देखा जाए तो आपको बॉडी इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं, कुछ इस टाइप के मिरर रहने वाले। यहाँ पर आ जाती है नंबर प्लेट की स्पेस। वाइज़र आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ी वाइज़र मिल जाती है। आप चाहो तो यहाँ से वाइज़र को, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे मतलब एडजस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर ये जो वाइज़र है आपको एडजस्टेबल साइड में देखने को मिलने वाला है। हेडलैम्प सेटअप की बात की जाए तो हेडलैम्प इसमें आ जाता है पूरा सेटअप LED में, कुछ इस टाइप का हेडलैम्प सेटअप रहने वाला है। देख सकते हो दोनों साइड में आपको दिया हुआ है। और जो इंडिकेटर्स है ये यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, देखा जाएगा तो ये LED में दिया हुआ है, बल्ब टाइप में नहीं है, ये LED में दिया हुआ है। फ्रंट का जो मडगार्ड है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। वहीं बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट में यहाँ पर आपको USD फॉर्क नज़र आ जाते हैं। फ्रंट ब्रेकिंग की बात की जाए तो फ्रंट में डुअल डिस्क नज़र आ जाएगी आपको, 300 mm की डिस्क प्लेट है, कावासाकी के पिस्टन कैलिपर आपको नज़र आ जाएंगे। वहीं बात करते हैं इसके टायर सेक्शन के बारे में, तो इसमें 120x70 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं 17 इंच के एलॉय व्हील में। व्हील के साइड रिम बिट पर यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको रेड कलर की स्टिकर नज़र आएगी और यहाँ पर ऑरेंज रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर निंजा 1000 SX लिखा हुआ और ग्राफिक वर्क आप कुछ इस टाइप का देख सकते हो। जो इसका रेडिएटर है वो भी दिखाता हूँ, तो इसमें काफ़ी बड़ी रेडिएटर मिल जाती है। इनलाइन 4 सिलेंडर है, तो यहाँ पर आपको 4 बैंड पाइप नज़र आएंगे, तो कुछ इस टाइप का रहने वाला है। ऑटो सेंसर वगैरह सारी चीज़ें नीचे दी हुई है। अब आ जाते हैं इस साइड में, यानी कि इसके फ्यूल टैंक साइड में, तो फ्यूल टैंक आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी और काफ़ी मस्कुलर से इसमें फ्यूल टैंक नज़र आपको आ जाती है। इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें 19 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। एक जो चीज़ है ये, अगर आप टैंक देखते हो तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर में सिल्वर सा आपको नज़र आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो। और ये इसकी रियल टैंक है, ये ऊपर में प्लास्टिक बॉडी शेल नहीं है, ये इसकी रियल टैंक होने वाली है। अगर आपने 10R देखी होगी तो 10R क्या होता है कि आप थोड़ा सा लीन होकर चलाते हो, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखा जाए तो स्पोर्ट्स ट्यूरिंग सेगमेंट है, तो इसमें आप अपराइट होकर चलाते हो। कावासाकी यहाँ पर आपको 3D में नज़र आएगा लिखा हुआ, मतलब जो बैजिंग है और जो ग्राफिक वर्क है ये कुछ ऐसा रहने वाला है। इसमें देखा जाए तो साइड स्टैंड का सिर्फ ऑप्शन आता है, सेंटर स्टैंड का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। क्विक शिफ्टर भी इसमें मिल जाती है और जो गियर शिफ्टर है ये आप देख सकते हो, ये इसका रियर का फुटपैक आप यहाँ पर देख सकते हो। सारी गार्ड आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी इसमें मिल जाती है। अब फ्यूल कैप भी देख लो, कुछ ऐसा रहने वाला है। राइट साइड के स्विचेस के पास में आते हैं तो राइट साइड में मिल जाता है इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन जो कि इंटीग्रेटेड दिया हुआ है, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, ब्लैकआउट फिनिश में आ जाते हैं, एडजस्टेबल ब्रेक एंड क्लच लीवर, और जो मतलब जो इसका ब्रेक फ्लूइड बॉक्स है, मतलब जो बॉटल है, ये कुछ आपको इस तरीके का नज़र आ जाता है। इसको मतलब ब्रैम्बो टाइप बोला जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा, मैंने भी आपको बता दिया। और जो हैंडल बार है ये आपको क्लिप ऑन में मिलने वाले, बट ये देखा जाए तो आपको काफ़ी कम्फर्टेबल साइड में देखने को मिलेगा। 10R में आप थोड़ा सा लीन होकर चलाते हो लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। चाबी आप देख लो, कुछ ऐसी की रहने वाली है इस मोटरसाइकिल की। और यहाँ से आप इसके फ्रंट सस्पेंशन के प्रीलोड को एडजस्ट कर सकते हो, तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर, इसमें भी देखा जाए तो 4 टाइप के राइडिंग मोड्स आ जाते हैं, जिसमें स्पोर्ट, रेन, रोड और राइडर आ जाता है। राइडर देखा जाए तो बाद में मतलब अनलॉक होता है, सर बता रहे थे ऐसा कुछ होने, मतलब बाद में अनलॉक किया जाता है इसको, मतलब
जैसे अगर आप बाइक लेते हो उस टाइम में ये अनलॉक नहीं रहेगा, मतलब ये लॉक पोजीशन में रहेगा। और यहाँ से देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास, और यहाँ से आप इसके एक्सेलरेशन को भी देख सकते हो। जैसे कि अगर आप थ्रॉटल को घुमाते हैं तो ये वाला जो मतलब थ्रॉटल का जो यहाँ पर देखोगे ये वाली जो स्क्रीन है, तो ये आपको थोड़ी सी ऊपर जाती हुई नीचे जाती हुई नज़र आती है। तो ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी आप देख सकते हो यहाँ पर। और देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें और दी हुई है, तो यहाँ पर ट्रिप, और यहाँ पर कूलेंट टेम्परेचर, और यहाँ पर लीन एंगल आप देख सकते हो। जैसे कि अभी गाड़ी क्या है कि साइड स्टैंड में लगी हुई है, तो इस वजह से ये अभी साइड स्टैंड में कुछ इस टाइप का दिखता है। अगर आप इसको बीच पे लेके जाते हो, मतलब अगर इसको सेंटर में रखते हो, तो ये कुछ ऐसा रहने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है, जो मतलब आप देख रहे हो ये बाइक बनी हुई है, जैसे ही अगर आप मान लो कि अगर आप स्टॉपी मारते हो तो ये वाला जो लाइन है ये आगे चले जाएगा, और व्हीली मारोगे तो ये पीछे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बताता है। और यहाँ पर स्पीड मीटर, आरपीएम गेज और ढेर सारी वार्निंग लाइट। अगर आपने Z900 में देखा होगा तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए आपको ये दोनों बटन दबाने होते थे, लेकिन इसमें यहाँ पर थोड़ा सा अलग माजरा दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप ये वाली बटन को थोड़ी देर तक प्रेस करके रखते हो तो ये जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला जो मतलब स्क्रीन, मतलब जो देखा जाए तो इंटरफेस है, वो कुछ इस टाइप का आ जाता है। तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है। और यहाँ से आप इसके मतलब जो TFT डिस्प्ले है इसको नेविगेट कर सकते हो। तो यहाँ पर बटन मिल जाते हैं। इसमें एक चीज़ और आपको स्पेशल मिल जाता है, वो है क्रूज़ कंट्रोल। क्योंकि ये स्पोर्ट्स ट्यूरिंग सेगमेंट है, तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा फंक्शन है, जो कि आपको इस मोटरसाइकिल में देखने को मिल जाता है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस बाकी आप देख लो, कुछ ऐसा रहने वाला है। राइट साइड तो हो गया, अब लेफ्ट साइड के स्विचेस के पास में आया तो लेफ्ट साइड में मिल जाता है हॉर्न। एक बार सुनते हैं इसका हॉर्न, तो इसमें सिंगल टोन हॉर्न मिल जाता है। इंडिकेटर, हैजार्ड लाइट का बटन, रीसेट का यहाँ पर बटन, और यहाँ से आप इसके इंस्ट्रूमेंट जो कंसोल है इसको आप नेविगेट कर पाओगे। क्रूज़ कंट्रोल का बटन, और यहाँ पर आ जाता है लो हाई बीम और पास लाइट इंटीग्रेटेड देखने को मिलने वाला है। तो कुछ ऐसा दिया हुआ है। बाकी एक बार आप डैशबोर्ड व्यू देख सकते हो, काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड व्यू आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है। शायद से आप यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी लगवा सकते हो, लेकिन वो एसेसरीज का पार्ट है, अभी मतलब इसमें लगाया आपको कंपनी फिटेड नहीं मिलता। तो अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसमें मिलता है 1043 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर 16 वेल्व DOSL लिक्विड कूल्ड FI मोटर। पावर की यहाँ पर बात की जाए तो पावर इसमें 142 PS की मिल जाती है, जो कि 10,000 RPM पे जनरेट करती है पावर। और टॉर्क की यहाँ पर बात की जाए तो इसमें 111 Nm का टॉर्क मिल जाता है, जो कि 8,000 RPM पे जनरेट करता है। यहाँ पर इसके माइलेज की बात की जाए तो करीब आप इससे 15 KMPL तक की माइलेज की उम्मीद आप कर सकते हो। देखा जाए तो हैवी सेगमेंट है, तो माइलेज वगैरह ऑब्वियस सी बात है कोई मतलब इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कोई अगर ये मोटरसाइकिल लेता है तो। बाकी 15 KMPL तक तो मतलब आराम से आपको ये माइलेज दे देगी। और यहाँ पर सीट आप देख सकते हो, सीट यहाँ पर आपको स्प्लिट में नज़र आ जाती है। सीट हाइट वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पर सीट हाइट करीब आपको 835 mm की मिल जाती है। कुशनिंग वगैरह की बात कर लेते हैं, कुशनिंग कैसी दी गई है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मतलब Z900 के मुकाबले अगर उसको कंपेयर किया जाए तो इसमें जो कुशनिंग है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं, सॉफ्ट दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट कुशनिंग है, और पिलियन साइड वाली भी आप देख सकते हो। क्योंकि क्या है कि लॉन्ग स्ट्रेच वगैरह अगर आप इस मोटरसाइकिल के साथ में लेते हो तो उतना ज़्यादा आपको फील नहीं होगा पेन वगैरह, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छा कम्फर्ट एंड कुशनिंग रहने वाला है। और जो ग्रैब रेल है यहाँ पर आपको स्प्लिट में नज़र आ जाते हैं कुछ इस टाइप के। और सारी गार्ड यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि टायर को ना जेल में बंद किया गया, देख सकते हो काफ़ी बड़ी सारी गार्ड इसमें मिल जाती है। अब इतनी बड़ी सारी गार्ड लगा के तो मेरे ख्याल से कोई मोटरसाइकिल चलाएगा नहीं। बाकी इसमें देखा जाए तो ओपन चैन कवर मिल जाता है, चैन को आपको हर 400 किलोमीटर पर क्लीन एंड ल्यूब करना होगा। यहाँ पर देखा जाए तो एल्यूमिनियम सिंगम आपको नज़र आ जाती है। 6 स्पीड का गेयरबॉक्स सेटअप है, क्विक शिफ्टर आपको इसमें मिल जाता है। रियर का जो फुटपैक है आप देख सकते हो। अब उस साइड में चलते हैं तो यहाँ पर आप इंजन देख सकते हो, ये कुछ मतलब इंजन का इस साइड का नज़ारा आप देख सकते हो। किक ऑप्शन ऑब्वियसली बात है नहीं मिलने वाला, रियर ब्रेक फुटपैक कुछ ऐसा रहने वाला है। एग्जॉस्ट यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी मस्कुलर इसमें देखने को मिल जाता है, देख सकते हो काफ़ी मस्कुलर एग्जॉस्ट दिया हुआ है। एक जो चीज़ है काफ़ी अच्छी यहाँ पर दी गई है, मतलब यहाँ से ये वाला जो अगर आप डायल देख रहे हो तो आप यहाँ से जो रियर सस्पेंशन है इसके प्री लोड को एडजस्ट कर सकते हो। मोनोशॉक एब्जॉर्बर दिया हुआ है। रियर ब्रेकिंग की यहाँ पर बात की जाए तो रियर में 250 mm की डिस्क प्लेट दी हुई है, देख सकते हो। और इसका जो कैलिपर है ये आपको नीचे साइड में मिल जाता है, सिंगल पिस्टन
कैलिपर दिया हुआ है। रियर टायर सेक्शन की बात की जाए तो इसमें रियर में आपको 190/50 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं 17 इंच के एलॉय व्हील में। रेड कलर की आपको यहाँ पर स्टिकर नज़र आ जाती है इसके व्हील के साइड रिम बिट पर, तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा रहने वाला है। बाकी आपको बैक प्रोफाइल भी दिखा देते हैं कैसा रहने वाला है। जो टेल लैंप है यहाँ पर देखोगे तो ये स्मोक मतलब आपको यहाँ पर फिनिश नज़र आता है। बाकी ब्रेक मार के भी दिखा देता हूँ, ये देखा जाए तो LED में दिया हुआ है, देख सकते हो। और जो रियर का इंडिकेटर है ये भी LED में दिया हुआ है, नंबर प्लेट की लाइट, नंबर प्लेट की स्पेस, रेड रिफ्लेक्टर यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है। बाकी बैक पोर्शन आप देख सकते हो काफ़ी मस्कुलर और हैवी नज़र आ जाता है। बाकी ये मोटरसाइकिल आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस मोटरसाइकिल को लेकर आपकी कोई अदर ओपिनियन या फिर राय है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस मोटरसाइकिल की अगर आपको टेस्ट राइड EMI से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कावासाकी नागपुर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, IDs यहाँ पर फ्लैश हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो गाइज़ मिलते फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।